बॉलीवुड की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस में से एक आलिया भट्ट अक्सर अपने सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देती है। आलिया भट्ट और उनकी सिस्टर शाहीन भट्ट के बीच बॉन्डिंग सिस्टर से भी ज्यादा दोस्त की है और अक्सर ये सिस्टर ड्यू अपनी मस्ती टाइम वाली पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती रहती है। आलिया भट्ट अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर और अनुष्का रंजन के साथ मालदीव वैकेशन को एंजॉय करती हुई दिख रही हैं। आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज में आकांक्षा रंजन कपूर के साथ की एक सेल्फी शेयर की है जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा हैंगेज विथ माय हनी। शाहीन भट्ट ने इससे पहले आलिया भट्ट की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें आलिया रेड ड्रेस के साथ बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी, साथ में कैप्शन लिखा था डिनर डेट। वहीं एक्ट्रेस की सिस्टर ने एक वीडियो भी शेयर किया था जहां आलिया भट्ट और वो लेक दिखाते हुए गोल्फ कार्ट ड्राइव को एंजॉय करते हुए दिख रही थी। वहीं उनकी सिस्टर आकांक्षा रंजन कपूर ने आलिया भट्ट के साथ की एक सेल्फी शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस दोस्त के साथ पूल टाइम को एंजॉय करती हुई दिख रही है। एक और सेल्फी आकांक्षा रंजन ने पूल से शेयर की है जिसमें आलिया भट्ट के साथ आकांक्षा रंजन स्विम सूट के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आलिया भट्ट के साथ की एक और तस्वीर शेयर की है जहां दोनों अपने रिसोर्ट के स्पा सेंटर में मसाज के लिए रेडी हैं, जहां कैप्शन में लिखा था मसाज टाइम। आलिया भट्ट की इस वैकेशन की तस्वीरें और वीडियो अभी सोशल मीडिया पर उनके फैंस द्वारा खूब पसंद की जा रही हैं और उनको लाइक कर रहे हैं। आलिया भट्ट इस साल अपनी दूसरी वैकेशन पर है। इससे पहले आलिया भट्ट अपने फैमिली के साथ रणबीर कपूर और उनकी फैमिली के साथ राजस्थान के रणथंभौर सफारी में दिखाई दी थी जहां ये दोनों फैमिली साथ में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे। आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ अमिताभ बच्चन के साथ की मूवी ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगी। वहीं SS राजामौली जी की RRR और संजय भंसाली जी की गंगूबाई काठियावाड़ी में भी वो दिखाई देंगी। आगे एक्ट्रेस करण जौहर की तख्त में रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, विक्की कौशल, जानवी कपूर, अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ दिखाई देगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।